बात कर रहे हैं सेल, और सेल में आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो देखिए, सेल का मतलब ही हमारे पास यहाँ वोल्टाइक सेल का मतलब ही एक ही है कि भाई आपके पास जो केमिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर रहे हैं। तो चलिए छोटा सा पहले डिफरेंशिएट लिख लो हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, और वो ये है कि सेल हमारे पास दो तरह के हैं। एक कौन सा है हमारे पास? गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। लिखते जाए मेरे साथ। और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सेल। इलेक्ट्रोलाइट सेल, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में वो है फर्स्ट, हमारे लिए वो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि यहां पर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके लिए किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल में। तो यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? केमिकल में। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझो, आप कोई भी बैटरी यूज कर रहे हो, वो मोबाइल की हो सकती है, घड़ी की हो सकती है, स्पॉट वॉच की हो सकती है, कहीं पे भी बैटरी, अगर वो डिस्चार्ज हो रही है मतलब यूज में आ रही है, तो वो क्या आ रही है? उसमें क्या है अंदर? जो केमिकल एनर्जी, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल में। तो एक तरह से डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो कर रहे हो आप, डिस्चार्ज प्रोसेस ऑफ बैटरी, वो आपके लिए वोल्टाइक सेल है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और चार्जेबल है, सपोज जैसे मोबाइल की तो चार्जेबल होती है, तो उसको जब चार्ज कर रहे हो तो बाहर से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो आप, तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो क्या है? चार्जिंग प्रोसेस ऑफ बैटरी, वो उस समय क्या काम कर रहा होता है? इलेक्ट्रोलाइट सेल। अच्छा, इन दोनों का सेटअप भी अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन दोनों में खास बात क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रहेगी और इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रहेगी। आप चाहो बिना रेडॉक्स रिएक्शन के सेल बना लो तो ये आपकी बेवकूफी है। देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही सेल है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पर भी रेडॉक्स है, यहां पर भी रेडॉक्स है। फोर्थ, हमारे को यहां पर ये देखना होता है कि एनोड और कैथोड क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और एक सेटअप कैसा होता है। देखो, इसके अंदर जनरली हमें इस तरह से सेटअप बनाना होता है जनरली। यहां आपके लिए एक कनेक्टिंग होता है जिसको आगे आप पढ़ोगे मेरे से, सॉल्ट ब्रिज, और यहां आपके पास करंट जनरेट होता है। ये करंट जनरेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन का अच्छा साइन है, ठीक है? जबकि यहां आप शो करोगे एक ही कंटेनर बना के आप बता सकते हो, क्योंकि बाहर से आपको करंट भेजना है। ये पॉजिटिव और यहां पर आपको पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये है हमारे पास। तो दोनों जगह रेडॉक्स इन्वॉल्व है, एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। तो यहां मान लीजिए ये एनोड है और यहां मान लीजिए ये कैथोड है। एनोड जो होता है
वहां पर हमेशा, भले एनोड यहां हो या यहां हो, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड का मतलब ही ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड का मतलब ही क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि दिस। तो आप में से कोई मुझे बताएगा, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब यहां पर रिडक्शन, यहां एनोड का मतलब क्या है? यही एनोड है। एनोड का मतलब यहां पर भी ऑक्सीडेशन और यहां पर कैथोड का मतलब यहां पर रिडक्शन। ये चीज बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहां एनोड का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहां नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इस जगह ऑब्वियसली, लेकिन इस जगह एनोड का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड का मतलब पॉजिटिव। यानी ये चीज, ये वाला पैरामीटर दोनों में चेंजेज हुआ है। अभी याद रख लो क्यों हुआ, ये हम आगे करेंगे। तो यानी कि एनोड का मतलब यहां पर क्या है? नेगेटिव, और कैथोड का मतलब पॉजिटिव। यहां एनोड का मतलब पॉजिटिव, यहां कैथोड का मतलब नेगेटिव। दोनों जगह एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों जगह कैथोड का मतलब रिडक्शन। तो आपको याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। फिफ्थ नंबर, इसका मतलब है गैन। गैन का मतलब गैल्वेनिक सेल, एनोड और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहां तक आपका काम चल गया, लेकिन सबसे खराब पॉइंट क्या आता है कि क्या आप यहां करंट की डायरेक्शन बता सकते हो? हाँ, ध्यान से सुनना, ये आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, समझ रहे हो, और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये रहेगी। तो पक्का यहां से होती हुई इस तरह से रहेगी। तो अब आपको पूछा जाएगा एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनोड से कैथोड, तो आई का मूवमेंट क्या होगा? कैथोड से एनोड, एक्सटर्नल सर्किट। और इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट में क्या रहेगा आपके लिए? उल्टा आई का, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैथोड से एनोड, समझ में आ रहा है? आई क्या रहेगा? एनोड टू कैथोड। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है एनोड टू कैथोड, तो आई क्या रहेगा? कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैथोड टू एनोड, तो आई क्या रहेगा? एनोड टू कैथोड, सही लिखा है। आई और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो समझ में आ गई बात। यहां पर ये है पूरा का पूरा किसके लिए? गैल्वेनिक सेल के अंदर, कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर आप खुद कर सकते हो, अपोजिट लेना है हर चीज। आपसे जनरली इसी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पर फिफ्थ नंबर पे बता देता हूं। गैल्वेनिक में, इलेक्ट्रोलाइट सेल में, इलेक्ट्रोलाइट सेल, इसमें क्या होगा? एनोड क्या होगा इसके अंदर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा या नहीं होगा? अब आप देख लीजिए, अगर आप इसको बनाते हो करंट की डायरेक्शन, तो यहां तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये रहेगा सर्किट,
ये क्या है एनोड, और ये क्या है कैथोड। बोलो यस और नो। तो जब आप एनोड की बात कर रहे हो तो यहां पर तो एनोड एक तरह से क्या चला है, एनोड से कैथोड एक्सटर्नल में, पूरा ही ऐसे ही चलेगा ये एनोड टू कैथोड ही। आई की जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, एनोड टू कैथोड ही रहेगी। कैसे होगा, ये आपके पास करंट आया 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 और ये पूरा सर्किट बन गया और ये इस तरफ से जा रहा है। अच्छा इंटरनल के बारे में बात करते हैं, पहले तो ये चीज चली गई, एक्सटर्नल में तो आपको क्लियर है, इंटरनल यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो इंटरनल में एनोड टू कैथोड, और वैसे भी देखा जाए तो यहां पर क्या चल रहा है एनोड टू कैथोड। समझ में आ रही है भाई, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट ही तो आपके लिए करंट है, और पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है कैथोड, तो एनोड से कैथोड की तरफ ही हो गया मूवमेंट। तो यहां पर एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल, आई की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी एनोड टू कैथोड। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो तो रह ही गया, उसको हम और समझते हैं। यहां तक लिख लिया, आप एक सेकंड के लिए और लिखिए, सबसे 6 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये बताइए, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ रही है क्या, नहीं, अपने आप ही केमिकल एनर्जी अपने आप ही हो रही है, तो एक तरह से ये कौन सी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस, जो अपने आप होती है उसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, और जो स्पॉन्टेनियस होती है उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। यानी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, कंफर्म करो पहले, और इसके लिए आप क्या बोलोगे 6 नंबर पे, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी पॉजिटिव, लिखें इसको, लिखो। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन देना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या नेगेटिव, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन देना किसका काम है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, सही है, तो इलेक्ट्रॉन देना नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा एक तरह से, लेकिन अगर पहले से आप न्यूट्रल हो और फिर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो पहले से ही, तब आप पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन सही पॉइंट है कि हमें अभी आयन के ऊपर नहीं देना, हमें तो इलेक्ट्रोड की नेचर बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन देना नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम है, और वो हमने लिख दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड।